बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान आर्मी एज अ डॉक्टर, राइट। दूसरे अल्फाज में बोलें तो एज अ कैप्टन डॉक्टर हम पाकिस्तान आर्मी को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करने के लिए जो एक कोर्स इन्होंने डिज़ाइन किया है वो आर्मी मेडिकल कैडेट कोर्स है। ये कोर्स बिल्कुल मुफ्त आपको MBBS प्रोग्राम कंप्लीट करवाएगी, मतलब आपके 5 साल में कोई फीस नहीं है इस कोर्स में। सही हो गया जी। इस कोर्स के ज़रिए आपकी MBBS प्रोग्राम बिल्कुल मुफ्त कराई जाएगी। तो इस कोर्स के हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे आर्मी मेडिकल कैडेट कोर्स। ये सिर्फ मेल स्टूडेंट्स के लिए है, फीमेल के लिए नहीं है। फर्स्ट थिंग इज़ टू रिमेंबर, एलिजिबिलिटी कंडीशंस यहाँ लिखी हुई हैं और एजुकेशन, बहुत सारी जो ना एलिजिबिलिटी कंडीशंस यहाँ लिखे हुए हैं। आप जो ना पाक आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जॉइन पाक आर्मी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा और वहाँ पे ये वाला इंडक्शन क्राइटेरिया है। सही, इंडक्शन क्राइटेरिया में आपको बिल्कुल फर्स्ट इस कॉलम में हियर आर्मी मेडिकल कैडेट है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो ना ये PDF फाइल ओपन होगी। तो फिर इस PDF फाइल में डिटेल लिखा हुआ है, आप यहाँ देखें और फिर कोई प्रॉब्लम हो और कोई इशू हो, क्वेरी हो, हमें जो ना बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, या तो TDV दुनिया इज़ द नेम ऑफ आवर फेसबुक ID, आप मैसेंजर के ज़रिए हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप ईमेल के ज़रिए thediverseVideoWorld1122@gmail.com पे आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल अंदाज में ये जो ना एलिजिबिलिटी कंडीशन लिखी हुई हैं। हम स्पेसिफिकली हम बात करेंगे जो ना टेस्ट के हवाले से। ये आर्मी मेडिकल कैडेट कोर्स की जो ना एंट्री टेस्ट कैसा होता है। सही हो गया जी। सबसे पहले आप कुछ यूँ करते हैं कि जॉइंट पाक आर्मी पे जो ना पोर्टल ओपन होती है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए, और इस साल 2020 में इंशाल्लाह ईद से पहले या ईद के फौरन बाद ये पोर्टल ओपन होने की उम्मीद की जा सकती है। अभी आपने सिंपली ये करना है कि जॉइंट पाक आर्मी की जो वेबसाइट है उसको ओपन करें और फिर फ्रिक्वेंटली उसको देखते रहें, और जब कभी ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ओपन होगी तो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के फौरन बाद आपको एक स्लिप मिलेगी, कंप्यूटराइज्ड कॉपी है। सही हो गया जी, कंप्यूटर वो जनरेट करती है। सो आपको एक स्लिप मिलेगी और उस स्लिप के ऊपर डेट और टाइम मेंशन होगा, और उसके मुताबिक आप जाएंगे उस करीबी ASNRC पे। सही हो गया जी, आर्मी रिक्रूटमेंट सेंटर पे जाएंगे और ये आप खुद सिलेक्शन करेंगे, और सही हो गया जी, आपकी जो नियरेस्ट सेंटर है वहाँ आपको जाने का बोलेंगे, उसके ऊपर लिखा हुआ होगा भाई कि आपने इस सेंटर पे इस डेट को इस टाइमिंग पे पहुँचना है। तो उस दिन सही हो गया जी आपका टेस्ट है। टेस्ट में कौन सी चीज़ें टेस्ट की जाती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो ना रिटन टेस्ट होता है। सही हो गया जी, कौन सा टेस्ट होता है? रिटन टेस्ट होता है। रजिस्ट्रेशन एट ASNRC, द कैंडिडेट्स में रिपोर्ट एट नियरेस्ट ASNRC फॉर रजिस्ट्रेशन अलॉटमेंट ऑफ रोल नंबर अलोंग विद नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड इन पैरा 6। पैरा 6 में कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मेंशन हैं, आपने वो डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाना है ASNRC जब आप टेस्ट के दिन जाएंगे। और प्रोस्पेक्टस फ़ी अप्रोक्सीमेटली 300 to 400 फ़ी होती है, वो भी आप अपने साथ लेके जाएंगे। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, प्रोविंशियल एंट्री टेस्ट, जो प्रोविंशियल एंट्री टेस्ट होती है UHS की, ETA की, MCAT, NUMS, AJ&K, सही हो गया जी, जितने भी ये प्रोविंशियल एंट्री टेस्ट हैं इन तमाम में आपने अप्लाई नहीं करना, सिंपली आपने कोई एक टेस्ट देना है। सही, ये इम्पॉर्टेंट है, प्रोविंशियल एंट्री टेस्ट आपने एक देना है, एक में आपने बिल्कुल जो ना उसमें अपीयर होना है, कंपलसरी है। सही हो गया जी। अभी हम बात करेंगे रिटन इंटेलिजेंस पर्सनालिटी टेस्ट की। रिटन टेस्ट जो ना वो MCQ बेस्ड होता है और जिसमें इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री से क्वेश्चंस लिए जाते हैं। रिटन टेस्ट में आपके इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस भी होते हैं जिसको हम वर्बल और नॉन वर्बल कहते हैं।
आपने सिंपली वर्बल और नॉन वर्बल की प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लेकिन टाइम हमें कम मिल रहा होता है, लेकिन वो जो क्वेश्चंस होते हैं जब आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर वो इजी और कूल डाउन होकर आप करेंगे तो फिर आप इजीली पास कर जाएंगे। सो वर्बल एंड नॉन वर्बल की बहुत ज़्यादा आपने प्रैक्टिस करनी है। बाकी इंग्लिश, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री की तो हम 2 साल बल्कि 4 साल से हम ये चीज़ें पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन वर्बल और नॉन वर्बल ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो ना ये वर्बल और नॉन वर्बल में कन्फ्यूज होते हैं और टाइम जो ना वेस्ट कर जाते हैं। अपने कूल डाउन होना है और वर्बल और नॉन वर्बल की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है टेस्ट से पहले, और जब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी तो फिर टेस्ट के दिन आप जो ना ईजिली आप इसको पास कर जाएंगे। सो कंप्यूटर पे आपका टेस्ट होता है, इंग्लिश, बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का टेस्ट आपने दिया, उसके बाद आपका वो वर्बल नॉन वर्बल टेस्ट होता है। वर्बल नॉन वर्बल आप क्लियर करेंगे तो फिर आपके जो आपको जो पहले से स्लिप मिला हुआ है उस स्लिप के ऊपर स्टंप मारेंगे और बोलेंगे कि आपने फिजिकल के लिए आपको एक वेन्यू दी जाएगी, आपको एक ग्राउंड का नाम दिया जाएगा जो भी करीबी ग्राउंड है सही, और आपसे कहा जाएगा कि आपने इस ग्राउंड में इस डेट को इस टाइम पे आपने पहुंचना है सही योग्य जी। और आपकी सेकंड फेज में आपकी फिजिकल टेस्ट होती है, और फिजिकल टेस्ट में ये चीज़ें टेस्ट की जाती हैं जिसमें आपकी रनिंग होती है 1.6 किलोमीटर्स जो कि 9 मिनट्स में आपने कंप्लीट करने हैं। नॉट अ बिग डील, इट्स वेरी इजी, 9 मिनट्स में 1.6 किलोमीटर। पुशअप्स जो ना 15 रेपिटेशंस हैं 2 मिनट्स में, 2 मिनट में आपके 15 रेपिटेशंस हैं पुशअप्स हैं, इट्स वेरी इजी। सिटअप्स की बात करें तो 20 रेपिटेशंस हैं 2 मिनट में, चिनअप्स 3 रेपिटेशंस इन 2 मिनट्स, डिश क्रॉसिंग सिंपली एक घड़ा होता है 7x4 और उसको क्या करना है आपने पार करना है, आप भाग के आ सकते हैं पीछे से और देन यू कैन क्रॉस दैट राइट। सो लिटिल बिट डिफिकल्ट बट नॉट दैट मच, लिटिल बिट। एंड उसके बाद प्रिलिमिनरी मेडिकल टेस्ट होता है। हाँ जी, आपने फिजिकल टेस्ट कंप्लीट किया तो फिर वहाँ जो भी आपके आर्मी ऑफिसर्स बैठे हुए होते हैं वो फिर आपके उस स्लिप पे स्टंप मारेंगे और बोलेंगे कि आपको इस डेट पे इस टाइम पे आपने ये वाला सेंटर पहुँचना है या ये वाले जो ना मेडिकल सेंटर पहुँचना है ताकि आपकी मेडिकल चेक की जा सके सही हो गया जी। अभी फिजिकल के बाद इवन फिजिकल के दिन ही आपकी मेडिकल भी होती है, मोस्टली वी हैव सीन दिस राइट। मेडिकल टेस्ट फिजिकल के बाद सुबह आपकी फिजिकल होगी तो शाम टाइम पे आपकी मेडिकल हो सकती है, दैट्स इट राइट। सो जब आप मेडिकल सेंटर पहुंचेंगे जो भी आपको दिया हुआ होगा सही, जो भी आपके लिए स्पेसिफाइड किया होगा तो फिर आपने उस मेडिकल सेंटर पहुंचना है। मेडिकल सेंटर जब आप पहुंचेंगे तो फिर वहां आपके मेडिकली आपको टेस्ट किया जाएगा, और जब आपकी फाइनली आप मेडिकली भी अगर फिट हैं और कुदरत की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बॉडी सेट है सही योग्य जी, उसमें फिर मतलब आपकी इनिशियल टेस्ट कंप्लीट है और आप इनिशियल टेस्ट पास कर गए। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे AS एंड RC में ये पैरा 6 में गिवन है सही, इनको रीड करें। ये डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ लेके जाएंगे AS एंड RC जहां आपकी इनिशियल टेस्ट है। अभी मैं बात कर रहा था जब आपकी इनिशियल कंप्लीट होगी, जब आपकी इनिशियल कंप्लीट होगी तो फिर आपने कुछ यूँ करना है कि आपको गाइड करेंगे और गाइड करते हुए आपके हाथ में एक फॉर्म आपको मिलेगा और उस फॉर्म को आपने भरना है, फिल करना है, और फॉर्म फिल करके आपने कुछ यूँ करना है कि उसको TCS करना है एंड देन उस पर क्या करना, आपने पोस्टल ऑर्डर ऑफ 100 रुपीज़ इन द फेवर ऑफ डायरेक्टर जनरल सही DGPA के नाम से आपने क्या करना है, पे ऑर्डर बनवानी है या तो आपने पोस्टल ऑर्डर उसमें जो ना डिपॉजिट करनी है 100 रुपीज़ की, और फिर फॉर्म आपने भेजना है सही ओके जी। जब आप ये फॉर्म भेजेंगे तो फिर आपको कुछ दिन बाद जो ना आपके इसी वेबसाइट पे जॉइन आर्मी पाक आर्मी के इसी अपनी वेबसाइट पे वो मेरिट लिस्ट जो ना वो क्या करते हैं
रिलीज करते हैं और पोस्ट करते हैं। अगर आपका नाम उस लिस्ट में है तो फिर आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, अगर आपका नाम नहीं है तो फिर यू विल गो फॉर समथिंग डिफरेंट, राइट? तो आपका नाम अगर है तो फिर इंटरव्यू इज अ डिफरेंट पार्ट एंड वी विल बी डिस्कसिंग दैट लेट इन सम अदर वीडियो। तो अभी मैं जो कह रहा हूँ ये इनिशियल तक मैंने बात की, इनिशियल में बस इतना ही होता है। आपको फाइनली फॉर्म भेजना है GHQ रावलपिंडी और 100 रुपीज़ की जो ना ये पोस्टल ऑर्डर बनवानी है, दैट्स इट। इनिशियल में तो सबसे पहले रिटन टेस्ट होता है जिसमें इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस के अलावा आपका साइंस और इंग्लिश भी शामिल है, सेकंड में आपका फिजिकल होता है, थर्ड में आपका मेडिकल होता है और फिर आप फॉर्म भेजते हैं, दैट्स इट। दिस इज द इनिशियल, राइट? तो अगर आप किसी एक में भी ना, जैसे कि रिटन टेस्ट में आपने इंटेलिजेंस का पहले होता है, बाद में साइंस और इंग्लिश आता है, अगर आप इंटेलिजेंस में फेल हुए हैं तो फिर आप नेक्स्ट प्रोसीड नहीं कर सकते, आपका कंप्यूटर बोलेगा सॉरी डू ट्राई नेक्स्ट। तो फिर सिंपल इतना ही है कि अगर आप एक फेज में फेल होते हैं तो आप नेक्स्ट फेज में नहीं एंटर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप फिजिकल में फेल हुए तो आप मेडिकल में एंटर नहीं हो सकते। इवन इंटेलिजेंस टेस्ट में फेल हुए तो फिजिक्स बायो कैम एंड इंग्लिश की वो टेस्ट आप नहीं दे सकते हैं। तो सिंपल इतना ही है कि आपको जो ना हर फेज कंप्लीट करना है और फाइनली आपकी इनिशियल कंप्लीट होगी। तो फिर इंटरव्यू में क्या होता है, दीज ऑल थिंग्स विल बी डिस्कस्ड लेटर ऑन। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन और यू मे आस्क अस अबाउट द इनिशियल बाय फेसबुक मैसेंजर TDV दुनिया और ईमेल के जरिए हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं द डाइवर्स वीडियो वर्ल्ड 1122@gmail.com। थैंक यू वेरी मच। हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो।